असम में ईवीएम को लेकर मच गया बवाल। तो चुनाव आयोग को देश को जवाब देना चाहिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट की गाड़ी से ईवीएम मिले थे उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। अब चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं और सवालों के सियासी सूरमाओं के सूपड़े सूझ रहे हैं। उनको इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि जनता क्या जनादेश देने वाली है। बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम से सवाल पर सवाल, क्या ईवीएम को लेकर नियमों से हुआ खिलवाड़। बीजेपी उम्मीदवार की सफाई पर कांग्रेस तिलमिलाई। ईवीएम जो है हमेशा बीजेपी वालों के पास मिलती है, तो इसको लेके एक शक पैदा हो गया। चुनाव आयोग को कोई कड़ा से कड़ा फैसला करना चाहिए। चुनाव आयोग पर भी विपक्ष ने डाला आरोपों का फंदा कि जिस पार्टी का कैंडिडेट था उस पे क्या कार्रवाई हो रही है और भाजपा पे क्या कार्रवाई हो रही है। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है तमाम अपोजिशन की पार्टीज को ईवीएम का बहिष्कार करना चाहिए। ईवीएम पर विपक्ष को फिर मिला मौका। बीजेपी बोली लगाएंगे चुनाव में जीत का चौका। फिर से बीजेपी सरकार बन रहा है ये निश्चित है। ये भी कहेंगे कि वोट तो असल में लोगों ने कांग्रेस को डाला लेकिन बीजेपी ने मशीन में गड़बड़ की थी तो वोट दूसरी तरफ जा रहा था। काइंड ऑफ जगलरी बाय देम हैज आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी। लेकिन उससे पहले ईवीएम को लेकर सियासी बवाल फिर से उफान मार रहा है। जी हां, दरअसल बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मिला असम में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चुनाव आयोग पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता शिकायत दर्ज करने। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिले हैं बीजेपी नेता, उधर कांग्रेस पार्टी के नेता भी पहुंच रहे हैं। बंगाल में हिंसा को लेकर इसी से बीजेपी की शिकायत है ये, जिसकी वजह से प्रकाश जावड़ेकर को आप देख रहे हैं। बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है। फिलहाल चुनाव आयोग से मिल रहे कांग्रेस के नेता, 5 बजे बीजेपी के नेता गए और 5:30 बजे कांग्रेस पार्टी के नेता भी शिकायत लेकर पहुंचे हैं चुनाव आयोग। और ये चुनाव आयोग की आप तस्वीरें देख रहे हैं, आपको जल्दी से सुना देते हैं चुनाव आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करने के बाद क्या कहा है प्रकाश जावड़ेकर ने। तीन चार महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। कल देश ने पहली दफा देखा कि एक मुख्यमंत्री पोलिंग बूथ के अंदर धरना देकर बैठते, वहां सभा करते, वहां पत्रकार वार्ता करते, उनके समर्थक बाहर से पत्थरबाजी करते। जब मुख्यमंत्री बैठी थी तब तक 74% वोटिंग हो गया था। यह 74% वोटिंग और शांति से हो गया था, फिर भी जानबूझकर एक भाव पैदा करने के लिए और उसके साथ एक अशांति पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री ने यह काम किया। हमने चुनाव आयोग को उसके संदर्भ में फोटो सहित सब कुछ दिया है कि किस तरह से जानबूझकर लोगों को उकसाने की कोशिश हुई और खुद मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर रहकर ऐसा करना, इससे ज्यादा लोकतंत्र का अपमान कोई नहीं हो सकता। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये आपने देखा बीजेपी की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर वहां पर चुनाव आयोग में मिलने के बाद बोल रहे थे। सीधे चलते ऐश्वर्या हमारी सहयोगी वहीं से जुड़ रही है हमारे साथ चुनाव आयोग में। अब कांग्रेस के नेता वहां पर अंदर बातचीत कर रहे हैं। असम में जो ईवीएम एक बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी से मिले हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की शिकायत होगी, जल्दी से ऐश्वर्या। जी अंजना, कांग्रेस पार्टी जो अंदर गई है वो इसीलिए गई है क्योंकि वो सारे पुख्ता सबूतों के साथ अंदर गई है और उनका ये कहना था कि आप इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि जिनकी गाड़ी में मिला था उनको भी बेदखल कर देना चाहिए और जो री पोलिंग जो इलेक्शन कमीशन ने कही है उसको समर्थन दे रही है कांग्रेस। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास हम फिर आएंगे इस पर जानकारी लेने के लिए। इस बीच जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा दें आज गौरव भाटिया और गौरव वल्लभ आमने सामने होंगे। जी हां, आज चुनाव में जब चुनाव आयोग की साख ही दांव पर लग जाए
तो मुसीबत बड़ी है और चर्चा उससे भी बड़ी होगी। लेकिन बहस से पहले आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। असम में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मिलने से हड़कंप मच गया है। विपक्ष ने इसके लिए सीधे बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है, साथ ही सवाल चुनाव आयोग से भी है। बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी में ईवीएम मिलने से वाकई चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठता है। हालांकि चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन भी लिया है, लेकिन इससे क्या तमाम विवादों और सवालों के जवाब मिल जाएंगे? आज बहस इन्हीं मुद्दों पर। ये रिपोर्ट पहले। देखिए ये कार और फिर देखिए इसमें मौजूद ईवीएम। ये सरकारी कार नहीं है, ये प्रशासन की कार भी नहीं है, ये चुनाव आयोग की कार तो बिल्कुल नहीं है। इसमें ईवीएम है लेकिन सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है, और इसलिए इस कार में ईवीएम की मौजूदगी पर सवाल भी है और बवाल भी, क्योंकि ये बोलेरो किसी और की नहीं, पाथरकंडी विधानसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की है। प्रियंका गांधी ने इस पर सवाल उठा दिया है, ट्वीट में वीडियो टैग किया और पूछा कि जब भी किसी निजी गाड़ी में ईवीएम मिलती है तो वो बीजेपी नेता की ही क्यों होती है। बवाल बढ़ा, चुनाव आयोग ने विस्तृत रिपोर्ट तलब की, डीएम से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने पूरी घटना पर अपना पक्ष रखा। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 अप्रैल को 6 बजे के बाद पोलिंग पार्टी पीएसओ के साथ लौट रही थी। 1 अप्रैल को मौसम खराब था, मूसलाधार बारिश हो रही थी। 9 बजे के आसपास लौटते वक्त पोलिंग पार्टी की गाड़ी खराब हो गई। भारी ट्रैफिक की वजह से पोलिंग पार्टी कॉन्वॉय से अलग हो गई। सेक्टर ऑफिसर को जानकारी दी गई। सेक्टर ऑफिसर गाड़ी का इंतजाम करते इससे पहले पोलिंग पार्टी ने मतदान किए हुए ईवीएम की वजह से जल्दी दूसरी गाड़ी का इंतजाम कर लिया। 9:20 पर पोलिंग पार्टी वहां से गुजरती एक गाड़ी पर ईवीएम के साथ सवार हो गई, जिसका नंबर था AS10B0022। पोलिंग पार्टी को ये जानकारी नहीं थी कि गाड़ी का मालिक कौन है। 10 बजे जब वो करीमगंज के कनेशील पहुंचे तो ट्रैफिक की वजह से गाड़ी धीमी हो गई। तभी लगभग 50 लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया, पत्थरबाजी की और कहा कि ये तो उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की गाड़ी है। चुनाव आयोग के हलफनामे में भी ये कार कृष्णेंदु पाल की ही बताई गई है, यानी इस कार के बीजेपी उम्मीदवार के होने पर कोई शक नहीं। लेकिन सवाल है कि सुरक्षा कर्मी कहाँ थे, चुनाव आयोग के अफसर कहाँ थे? बीजेपी ने इसे कांग्रेस का चुनावी स्टंट कहा है। अब चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं और सवालों के सियासी सूरमाओं के सूपड़े सूझ रहे हैं। उनको इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि जनता क्या जनादेश देने वाली है। जनता जो है वो जब जांच करती है तो उसका जो है दूध का दूध पानी का पानी कर देती है, तो इसलिए जो है वो कम्युनल बैग पर सेकुलर टैग बहुत दिन नहीं चलने वाला है। और ये एक पुराना स्वभाव रहा है कांग्रेस का, व्हेन दे आर फेस्ड विद इमिनेंट डिफीट दे स्टार्ट यूजिंग दिस काइंड ऑफ रिजल्ट, जस्ट वेट एंड वॉच एज वी ड्रॉ अहेड, एज वी मूव अहेड इन द इलेक्शन प्रोसेस, दे आर गोइंग टू मेक वन मोर एलिगेशन। आई एम मेकिंग अ प्रेडिक्शन राइट नाउ। ये भी कहेंगे कि वोट तो असल में लोगों ने कांग्रेस को डाला, लेकिन बीजेपी ने मशीन में गड़बड़ की थी तो वोट दूसरी तरफ जा रहा था। कहने का तात्पर्य ये कि दिस काइंड ऑफ जगलरी बाय देम हैज आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से जब आज तक की रिपोर्टर ईवीएम पर सवाल पूछती रही तो वो इसे टालते नजर आए। बोलेरो में सर ईवीएम मिला है तो आप इस पे कुछ भी बोलना चाहेंगे सर? बीजेपी कैंडिडेट का है सर गाड़ी, दादा बीजेपी कैंडिडेट, फिर से बीजेपी सरकार बन रहा है ये निश्चित है। नहीं पर सर ईवीएम मिला है एक प्राइवेट गाड़ी में, कोई फिर से बीजेपी सरकार बनेगा? पर सर ईवीएम मिला है गाड़ी में वो आप लोग के कैंडिडेट का है सर, पाथरकंडी कैंडिडेट कृष्णेंदु पाल का है सर। ये तो आपका पास जानकारी, ये जानकारी नहीं, नहीं सर ये जानकारी तो सर सुनिए भाई, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि फिर से बीजेपी सरकार बन रहा है। सर ये बड़ा एलिगेशन है सर, लोगों का चुनाव में से भरोसा ही उठ रहा है सर। ये ऐसी घटना है जो निष्पक्ष चुनाव पर संदेह खड़ा करती है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हार के डर से बीजेपी ईवीएम चोरी पर उतर आई है। कि जब जब भाजपा हारती है तो फिर उसके पास एक ही मंत्र है, फिर वो ईवीएम की शरण में जाने की कोशिश करती है। हर बार जब भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो वो ईवीएम देवता की शरण में जाने की कोशिश करेगी, इस बार ईवीएम ने भी उसे नकार दिया है लगता है। सवाल चुनाव आयोग की साख का है, आखिर एक निजी गाड़ी और वो भी बीजेपी उम्मीदवार की कार में ईवीएम कैसे मिली? सवाल सुरक्षा का है,
मतदान होने के बाद ईवीएम बिना सुरक्षा कर्मियों के कैसे छोड़ दी गई? ईवीएम छोड़कर क्यों भाग गए पोलिंग अधिकारी? सवाल लोकतंत्र में चुनाव आयोग की उस सबसे बड़ी व्यवस्था पर है जिसमें हमारा और आपका वोट ईवीएम में कैद होता है इस विश्वास के साथ कि वो सुरक्षित रहेगा। गुवाहाटी से तनुषी पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया जी, गौरव वल्लभ जी दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले जितेंद्र सिंह जी इस वक्त एमओएस पीएमओ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, ये वो आरोप है जो विपक्ष पहले भी लगाता रहा है बीजेपी पर, सवाल है इस बार पोल रिगिंग। उनका ये कहना है कि ईवीएम संभलता नहीं, अब ईवीएम के ही शरण में जब जाते हैं, जब जब हार उनको समझ में आता है कि मिल रही है, ईवीएम चोरी पर उतर आई है बीजेपी। क्या जवाब होगा आपका इस पर? नहीं, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि पार्टी को क्या कहना है उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पढ़ ली हो उससे सारा सब कुछ बड़ा वाजी और स्पष्ट हो गया है। हाँ, लेकिन जैसा आपने कुल मिलाकर के एक बात रखी, तो इस विषय में हमारा ये मानना है कि ये कांग्रेस की पुरानी रणनीति रही है कुछ एक वर्षों से। जब वो हारने लगती है और ये मान लिया जाए कि जब वो ईवीएम में कुछ नुक्स निकालने लगते हैं तो इट इज एन इंडिकेशन दैट दे आर फेस्ड विद इमिनेंट डिफीट, और असम में भी ऐसा ही है। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि जो जो हम इलेक्शन आगे बढ़ेगा, एक और आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पर आने वाला है कांग्रेस की ओर से और विपक्षियों की ओर से, और वो ये रहेगा कि वोटर तो बटन दबाता था हाथ का, लेकिन बीजेपी वालों ने कुछ अंदर ऐसा प्रोग्रामिंग किया था हर ईवीएम मशीन के अंदर कि वोट चला जाता था लोटस को, कमल को। तो मुझे लगता है कि इन बातों को दिस हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस। जहां ये जीत जाते हैं वहां ईवीएम मशीन ठीक रहती है। लेकिन जितेंद्र जी, जो ये बवाल है उसका स्पष्टीकरण तो अब इलेक्शन कमीशन से भी आ ही गया है। लेकिन जितेंद्र जी, फैक्ट तो फैक्ट है, और वो फैक्ट ये है कि चुनाव आयोग ने भी माना है कि ये उम्मीदवार की गाड़ी थी। गाड़ी में ईवीएम का मिलना अपने आप में बड़ा ही संदेहास्पद लगता है ना, ये फैक्ट है कि ये ईवीएम मशीन किन हालात में कहां से पाई गई और उसमें कोई छेड़छाड़ हुई है कि नहीं हुई है। अब मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन, आप देखिए मीडिया चैनल को तो इलेक्शन कमीशन से ऊपर उठ करके बात करने का अधिकार है, लेकिन एक जिम्मेवार पदाधिकारी के नाते मैं आई कैन नॉट स्पीक अबाउ द शोल्डर एंड हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मुझे लगता है जो उन्होंने कहा है हमें उसी से मुतमईन होना चाहिए। Although I understand that the breaking news could not break to the full extent. ब्रेकिंग न्यूज तो खैर सर बात की बात है, सवाल है ईवीएम का, ईवीएम का एक उम्मीदवार की गाड़ी में मिलने का। इसीलिए मेरा अगला सवाल है कि विपक्ष आपको घेर रहा है, कह रहा है हम तो पहले से कह रहे थे बीजेपी यही काम करती है, उसको बल मिला है, ऐसे में क्या स्ट्रेटजी है, क्या रणनीति क्या है, क्या जवाब है आपको? हाँ, करे कोई स्ट्रेटजी की आवश्यकता नहीं है। 2 मई को आपको स्ट्रेटजी पता चल जाएगी, और मैंने ये भी बता दिया कि 2 मई को जब परिणाम आएगा तो इन्होंने ये कहना है कि ईवीएम की मशीन के अंदर एक ऐसी प्रोग्रामिंग की थी, एक और बवाल खड़ा होने वाला है कि जो बटन दबाया जाता था हाथ के ऊपर वो वोट जाता था कमल को। फिर एक मुद्दा और आ जाएगा 9 बजे की बहस का रात को। ममता जी ने तो बीते दिन भी सर धांधली का आरोप लगाया, वो बूथ पर नंदीग्राम में बैठी रही, उन्होंने कहा कि केंद्रीय बल केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश पर काम कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा। उन्होंने कहा देखिए अंजना जी, आप नहीं, उनका ये कहना है कि ये उसी का एक्सटेंशन है। आप इतनी अनुभवी हैं और आपने इतने सारे इलेक्शन कवर किए हैं, एंड योर इनर इंस्टिंक्ट विल टेल यू कि जब ये भाषा बोली जाती है तो दिस इज स्पोकन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस, एंड उसकी जुबान से आती है जिसे अपनी पराजय सामने नजर आ रही होती है। अब उन्होंने कहा, लेकिन आपके अभी तो मीडिया एक टीम है वहां बैठी हुई, कोई दिखाए ना कि कौन से सीआरपी वाला किस वोटर को रोक रहा है। अगर ऐसा होता तो क्या आप समझती हैं कि आज तक खामोश रहता आज तक? एक चिट्ठी लिखी है ममता बनर्जी ने वोटिंग पोलिंग जब नंदीग्राम में, उसे एक दिन पहले चिट्ठी लिखी है, तमाम विपक्षी नेताओं को कहा है कि एकजुट होइए, हमें तानाशाही रवैये के खिलाफ सरकार के एकजुट होना जरूरी है। देखिए दिस इज वो ये कहना चाह रही है ना, बेसिकली उनका ये कहना है कि सरकार चाहे गवर्नर का गलत इस्तेमाल हो, हर तरीके से गलत इस्तेमाल। शी इज जस्ट ट्राइंग टू बी अपोलोजिटिकली ट्राइंग टू जस्टिफाई हर डिफीट कि ये इसलिए हुई उसलिए हुई, ईवीएम की प्रोग्रामिंग हो गई, होम मिनिस्टर ने हरा दिया। लेकिन मैं तो हैरान हूं
वहां पर आज तक की टीम मौजूद है, बाकी मीडिया चैनल मौजूद है, वो कहीं दिखाएं तो सही किस वोटर को किसने रोका है। वी लिव इन एन एविडेंस बेस्ड एरा। और दूसरी बात यह है कि ये इकट्ठा होने वाली जो बात है ये तो पहले भी इकट्ठा है। अभी असम में हमारे खिलाफ 10 पार्टियां इकट्ठी हैं जिसे महाजोत कहा जाता है, अब और कहां से लाएंगे इकट्ठा करने को, ये तो पहले ही इकट्ठा है। आखिरी सवाल आपसे, क्या जरा सा बैकफुट पर बीजेपी हो गई है असम की इस घटना के बाद? नहीं, जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, जवाब जनता दे रही है, बढ़ चढ़ करके दाव दे रही है। 80% पहले फेज में वोट हुआ है जो बीजेपी प्रधान सीटें हैं। एक विश्लेषक की तरह बात करिए, जब एक पार्टी सत्ता में रहती है 5 साल तो थोड़ी बड़ी मात्रा में एंटी इनक्यूमेंसी आ जाता है। तो क्या होता है कि अगर 80% पिछली बार रहा जैसे इस बार भी रहा तो कुछ एक वोटर तो नाराज होते हैं, तो उसका खमजियाना जैसे आप कह रही हैं भुगतना पड़ता है, तो विपक्ष को वोट डालते हैं तो हमारी परसेंटेज कम हो जाती है, या फिर कुछ लोग निराश हो जाते हैं कि साहब पार्टी तो अपनी थी लेकिन उम्मीदों पर पूरी नहीं उतरी तो वोट डालने जाते नहीं। यहां उतनी ही प्रतिशत वोट डालने लोग गए जितने पिछली बार गए थे, एंड दिस इज अ वोट फॉर प्रो इनक्यूमेंसी। 2 मई को एक बार फिर हम और आप चर्चा कर लेंगे। बिल्कुल, 2 मई का इंतजार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। गौरव भाटिया, गौरव वल्लभ, जल्दी से दोनों को दिखाइए। गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए सवाल चुनाव आयोग की साख का है। एक उम्मीदवार, बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में मिलना, और इसीलिए हमने नाम रखा है, क्या है ये सर? संयोग है, प्रयोग है, क्या है ये? ऐसा संयोग कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को, पोलिंग पार्टी को उम्मीदवार की ही गाड़ी मिली लिफ्ट लेने के लिए। देखिए अंजना जी, आपने एक रिपोर्ट दिखाई और उसके बाद जितेंद्र सिंह जी ने भी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा। मैं इतना ही कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है और हर नागरिक का विश्वास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे है। अगर कहीं चूक होती है, वाकई ये गंभीर मामला है और इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उचित कार्रवाई भी करी है, लेकिन क्या ये कहना कि इसकी वजह से पूरा चुनाव शक के घेरे में आ जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की विश्वसनीयता पे चोट पहुंचती है, ये उचित नहीं है। और बड़ी जिम्मेदारी से पहले मैं 2-3 बातें रख दूं, जो कांग्रेस के ऊपर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन जो आपका व्यूअर है और असम के जो जनता है उनको बिल्कुल पता होना चाहिए कि किस तरह से संवैधानिक संस्था अपना कार्य कर रही है। कोविड के समय में भी इलेक्शन कमीशन ने जब इस घटना का संज्ञान लेते हुए क्या किया, उन्होंने जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और 3 पोलिंग एजेंट्स थे, पोलिंग ऑफिसर, उनको सस्पेंड किया, एक शो कॉज नोटिस भी दिया, और तीसरी बात रीपोल के भी आदेश दे दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मैं समझता हूं पूरे प्रकरण में, और ये जारी जानकारी है इलेक्शन कमीशन द्वारा, कि 3 यूनिट्स होते हैं और तीनों यूनिट सील्ड कंडीशन में पाए गए हैं, इसका मतलब उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं, दर्शकों को भी, कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हर ईवीएम मशीन के साथ एक वीवीपैट लगा होता है जिससे कि वेरीफाई हो सकता है कि कितने वोट डले हैं और उसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं हुई। अब इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो अंजना जी आप मुझे यह बताइए कि कहीं पे अगर गाड़ी में ईवीएम निकली केवल इसलिए कि ऐसी जानकारी दी जा रही है कि उसका कोई लिंक किसी भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट से है, तो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा दे। इस तरह से तो करोड़ों रुपया कांग्रेस पार्टी के नेताओं की गाड़ियों में निकलता है, तो क्या कांग्रेस के नेता जो हैं उनका बिना ट्रायल हम कहें कि वो सब भ्रष्टाचारी हैं? और दूसरी बात, आप वो चिट्ठी ध्यान से पढ़िए, उन्होंने ये भी कहा गाड़ी खराब हुई जी। गाड़ी खराब होने के बाद सूचना दी गई जो अधिकारी थे एज पर दी हैंडबुक, और उसके बाद जब गाड़ी की व्यवस्था होने में देरी हो रही थी क्योंकि जो रोड है वो पतली है और ट्रैफिक जाम है, तो दूसरी गाड़ी पे बैठ गए ये ऑफिसर, जो हो सकता है उल्लंघन हो जिसकी जांच इलेक्शन कमीशन कर रहा है, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई ये बात समझ में नहीं। गौरव वल्लभ जी जवाब देंगे। गौरव वल्लभ जी, अंजना जी, 2014 के बाद 2 जनों का अपहरण हो गया, एक तो देश के विकास का अपहरण हो गया और कल रात को ईवीएम का अपहरण हो गया। आत्मनिर्भर 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 करने वाले लोगों ने क्या किया अंजना जी,
कि हम सबको तो परमात्मा निर्भर कर दिया और देश की सरकार को ईवीएम निर्भर कर दिया। और अब आप क्रोनोलॉजी समझिए अंजना जी, इन्हीं की भाषा में बात करूंगा। एक परीक्षार्थी है, विद्यार्थी है, साल भर कुछ पढ़ता नहीं है, परीक्षा देने जाता है, उसको पता है कि मैं बिल्कुल बुरी तरह से फेल होऊंगा, और वही अपनी कॉपी जांचने वाले अध्यापक के पास ले जाता हुआ पाया जाता है। ये संयोग है या प्रयोग है? आपने बिल्कुल सही कहा। और इस बाबत मेरे 6 प्रश्न है, इन 6 प्रश्नों का उत्तर दिलवाइएगा अंजना जी। और ये आसाम की जनता के प्रश्न है। ईवीएम मिलती है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्णेंदु पॉल, और वो कहां से लड़ रहे हैं चुनाव? वो लड़ रहे हैं पत्थरबाड़ी से। और रीपोलिंग कहां हो रही है? रत्ताबाड़ी में। अरे कृष्णेंदु पॉल जी का कब जांच होगी? पूरे आसाम में लाखों गाड़ियां रजिस्टर है, पर वो ही गाड़ी उनको मिलती है अपनी ईवीएम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा कि ईवीएम की गाड़ी खराब, लोकतंत्र की हालत खराब और भाजपा की नीयत खराब। बिल्कुल सही, 3 लाइनों में उन्होंने अपनी बात कह दी। गाड़ी खराब होती है पूरे आसाम में अंजना जी, कम से कम 5 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड होगी, पर सिर्फ प्रत्याशी की गाड़ी मिलती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और ये वह प्रत्याशी की गाड़ी है, ये उस पार्टी के प्रत्याशी की गाड़ी है जो फेल हो रहा है। वो फेल होने के लिए अभ्यर्थी अपनी खाली उत्तर पुस्तिका लेके जांचने के लिए ले जा रहा है। इस सहयोग पर कुछ नहीं बता पा रहे। कृष्णेंदु पॉल के ऊपर क्या एक्शन लिया ईसीआई? ठीक है, वो सवाल पूछ ले जी भर के, बहुत दिन बाद मौका मिला। गौरव वल्लभ जी पूछ लीजिए, पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। मुझे लगा एक एक सवाल जवाब ले ले, एक एक सवाल जवाब लेते हैं ना। ठीक है गौरव वल्लभ जी, एक एक करके ले लेते हैं, एक एक करके ले लेते हैं। जल्दी से गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। संयोग समझाइए, पूरे देश में लोग संयोग समझना चाहेंगे कि पोलिंग पार्टी को उम्मीदवार की ही गाड़ी मिली, ये किसको हजम होगा लिफ्ट लेने के लिए? नहीं अंजना जी, सबसे पहले तो ये प्रश्न जो है वो इलेक्शन कमीशन से पूछा जाना चाहिए। और क्या ये सत्य नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं जिनका नाम लिया जा रहा है, क्या उनके नाम पे गाड़ी है? ये इस बात की पुष्टि हो गई उनके नाम पे गाड़ी है। दूसरी बात, क्या वो वहां उपस्थित थे? क्या उन्होंने किसी तरह का दबाव बनाया? ये सब जो है कहीं नहीं आए हैं तथ्यों में, इसलिए इस तरह के अनर्गल आरोप नहीं लगाने चाहिए। दूसरी बात, आप ये देखिए क्रोनोलॉजी समझिए। एक छात्र है, जो छात्र कभी क्लास नहीं जाता, वो छात्र चुनाव चल रहे हैं। आपकी बात पूरी कर, आप समझिए अंजना जी, मैं आपकी बात पूरी ऐसा मत करिए। सवाल मैं भी नहीं, आप तो छात्र पर आने की कोई जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, उनके साथ है, मेरे भी 5 सवाल है, मेरे 5 सवाल भी सुन ले, उत्तर ले लीजिए। बोले जल्दी से, बोलिए अपनी बात पूरी। ऐसे नहीं चर्चा होती, उनके सवाल है। वो क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है क्या? अरे भैया, कैंडिडेट की गाड़ी में ईवीएम मिल रही है और आप यहाँ पे सवाल पूछ रहे हो? आपको तो नतमस्तक होके हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल पूछेंगे अभी के जब सवाल करता है और देश के विकास जब फेस ऑफ कराया करिए, तो अपनी अपनी बारे में बोले तो अच्छा लगेगा। आप सवाल पूछ रहे हो, राहुल गांधी का दिमाग हैक हुआ था ये तो पता है, प्रवक्ता का दिमाग कैसे हैक हो सकता? प्लीज प्लीज देखिए, देखिए अंजना जी भाषा देखिए, चोरी और सीनाजोरी, इनके इनके पार्टी के प्रत्याशी की गाड़ी में ईवीएम मिलती है। यहाँ पे सवाल जवाब कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कृष्णेंदु पॉल से क्या जवाब किया गया आपने? मैं पूछता हूँ, पूरे असम में लाखों गाड़ियां रजिस्टर है, पर ईवीएम जब उनकी गाड़ी, इतना संयोग तो हिंदी फिल्मों में भी नहीं होता। ठीक है, अगर आपके हिसाब से तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बात नहीं रख सकता। वर्सेस दिखा के किसी समय प्रत्याशी की गाड़ी आ जाती है, पूरी अपनी बात कही थी, जिसके बाद मैंने हिंदी सिनेमा में भी नहीं देखा, इसलिए हमेशा तरीका पर नहीं। मैंने बात का उत्तर, ये भी समझिए कि रिपोर्ट कार्ड राहुल गांधी का इससे क्या मतलब है? इसमें कोई नाराज नहीं, इसको राहुल गांधी के रिपोर्ट कार्ड से क्यों जोड़ रहे हैं आप? सवाल बहुत गंभीर है, और वो सवाल ये है कि आखिर अगर कोई भी मिली भगत सामने आती है तो फिर बीजेपी से भी सवाल पूछा जाएगा ना कि भाई आपकी गाड़ी उम्मीदवार की गाड़ी में कैसे ईवीएम? एक ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, यहीं से चर्चा आगे लिए चलेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद। देखो इससे पहले कि गौरव भाटिया और गौरव वल्लभ के साथ हम चर्चा की शुरुआत फिर से करें, आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं। इस वक्त कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत करने के बाद बाहर आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं अश्विनी कुमार सुनिए। मुद्दा हमने उठाया है कि इलेक्शन ईवीएम, जो इलेक्शन कमीशन की ईवीएम है, वो इलेक्शन कमीशन की गाड़ी में ना होकर एक ऐसी कार के अंदर उनको पाया गया
जो प्रियंका जी ने भी ट्वीट किया है, जो जो बीजेपी के साथ ताल्लुक रखने वाले एक बीजेपी के कार्यकर्ता या उसके कैंडिडेट की गाड़ी, तो ये कोई असाधारण बात नहीं है, ये कोई कोई आसमान से ये स्थिति पैदा नहीं हुई। तो हमने कहा है कि इसके बारे में जांच कीजिए। हमें ये जानकारी दी गई है कि 4 अफसरों को इलेक्शन कमीशन ने सस्पेंड किया है इसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के इस बात की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद, और वो इस मामले में जो गाइडलाइंस हैं उनको पूरी तरह से इन्फोर्स करेंगे, ये हमें कहा गया। तो चुनाव आयोग से मिलकर निकले हैं गौरव भाटिया जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तमाम। बिल्कुल, देखिए अंजना जी, आज एक बड़ा प्रश्न ये उठता है जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा था। आपने कहा राहुल गांधी कहां से बीच में आ गए, पश्चिम बंगाल में भी तो चुनाव चल रहे हैं ना, वहां पे तो ऐसे अनर्गल आरोप लगा दिए कि अगर बटन दबाओ टीएमसी का तो वोट जा रहा है बीजेपी को। तो मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, ये वहां पे कांग्रेस पार्टी सक्रिय क्यों नहीं हुई? क्या असम का चुनाव महत्वपूर्ण है, पश्चिम बंगाल का नहीं? और गौरव वल्लभ जी पढ़ लिख के आए होंगे, मैं इनसे भी एक सवाल पूछता हूं। ये एक हैंडबुक है, इस हैंडबुक में रिटर्निंग ऑफिसर के पास पूरी एक नियमावली है, वो नियमावली मैं बता दूंगा, पहले आप दर्शकों को बताएंगे कि उस नियमावली का क्या उल्लंघन हुआ है। आपका कहना यह है कि गाड़ी बीजेपी के एक लीडर की है, तो ये तो तथ्य है, जब साबित हो जाएगा उसके बाद बात होगी। लेकिन अगर गाड़ी मान लीजिए उनकी है और जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनकी गाड़ी खराब हो गई, अगर उनकी गलती है जो सस्पेंड हो गए, तो आप हमसे सवाल पूछेंगे? और सबसे बड़ी बात है, ये जानती है कांग्रेस पार्टी और टीएमसी ये चुनाव हारने जा रहे हैं, और इसीलिए हर बार ठीकरा कहां फोड़ते हैं, ईवीएम पे फोड़ते हैं। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनौती दी थी इनको कि आप हैक करके बताइए, तो नहीं बताई, बल्कि कपिल सिब्बल लंदन पहुंच गए, वहां कोई शुजा थे वो हैक कर रहे थे लेकिन कर नहीं पाए। तो मैं इसलिए कहूंगा ये दर्शकों के लिए खासकर कि ईवीएम मशीन, उसका जो सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, ये सारा और बैलेट यूनिट, ये तीनों के तीनों बेस यूनिट ये सील्ड थे, क्या इसको आप इंकार कर सकते हैं? गौरव वल्लभ जी जवाब, तो उसके बाद कोई वोट नहीं पड़ सकता है जी। तो फिर क्यों इस तरह से आप लांछन लगा रहे हैं संविधान जी? शांति से जी। अंजना जी, इलेक्शन कमीशन की गाड़ी खराब होती है, उसी समय वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी आ जाती है। बाय गॉड, इतने संयोग मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखे, मैंने कोई हिंदी फिल्म में भी इतने संयोग नहीं देखे कि असम में जहां पे 1,000,000 गाड़ियां रजिस्टर्ड है, इलेक्शन कमीशन की खराब होती जब कैंडिडेट की, भाजपा के कैंडिडेट की गाड़ी उसी समय वहां आ जाती है। भाई ये संयोग नहीं है, ये आपके प्रयोग है। मैंने आपसे सवाल पूछा कि जो कैंडिडेट कृष्णेंदु पॉल जो पत्थरकड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको आपने बुला के क्या उनका ब्यौरा लिया, कौन से पुलिस थाने में उसको उनको बुला के आपने जांच की? नंबर वन। नंबर दूसरी, अंजना जी मैं असम में हूं, एक एक ब्यौरा दूंगा आपको। दीपू में एक पोलिंग स्टेशन में ईवीएम लग्जरी कार के डिक्की में मिलती है। अरे इलेक्शन कमीशन लग्जरी गाड़ियां से मूवमेंट करवाता है क्या? मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा कभी नहीं हुआ, असम सरकार की जानकारी के अनुसार भी ऐसा नहीं हुआ, पर दीपू में लग्जरी गाड़ी के बूट में आपको ईवीएम्स मिलती है। ये मेरा दूसरा प्रश्न है, इसका भी जवाब दिलवाइएगा। तीसरा प्रश्न है, जमनुक में बिना सिक्योरिटी के, अंजना जी बिना सिक्योरिटी के, बिकॉज ईवीएम के साथ हमेशा अर्थसैनिक बल होता है, पर बिना सिक्योरिटी के ईवीएम मूव कर रही है। आप गृहमंत्री की प्रतिक्रिया पर जानना चाहेंगे? गौरव वल्लभ जी आप गृहमंत्री की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे? आज तक पर ये पहली प्रतिक्रिया गृहमंत्री अमित शाह की, हमारे सहयोगी राहुल कंवल ने उनसे बात की है, क्या कहा उन्होंने हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने पहली बार ईवीएम मामले पर प्रतिक्रिया दी है, अगर ऐसा हुआ है तो चुनाव आयोग एक्शन लेगा, ये कहा उन्होंने, सुनिए। इलेक्शन कमीशन असम में आपने देखा होगा एक बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी से ईवीएम्स मिले और इलेक्शन कमीशन ने फिर 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया। अब ऑपोजिशन उस मुद्दे को लेकर आप पे अटैक कर रहा है कि ईवीएम्स बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी में कैसे,
देखिए, मुझे इस घटना की डिटेल जानकारी नहीं है। मैं कल दक्षिण भारत में था, आज यहाँ पर हूँ। परसों मैं जाऊंगा तब डिटेल जानकारी भी लूंगा, आज रात को फोन पर भी लूंगा। परंतु हमने इलेक्शन कमीशन को कोई भी कदम उठाने से नहीं रोका है। अगर ऐसा हुआ है तो कानून के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने कदम भी उठाने चाहिए और जिम्मेदारों पर सख्ती भी करनी चाहिए। सख्ती की बात कर रहे हैं वो, सख्ती की बात करें गौरव वल्लभ जी। अंजना जी, मैं कह रहा हूँ कृष्णेंदु पॉल पे क्या सख्ती दिखा रहे हैं, जो भाजपा के प्रत्याशी है उनका उनका इलेक्शन डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। अब तक तो ही शुड बी डिस्क्वालीफाइड टू कंटेस्ट, अब तक तो ये हो जाना चाहिए। नहीं मान रहा, इससे बड़ी चूक क्या हो सकती है? ये सहयोग नहीं है अंजना जी, ये प्रयोग है। चुनाव आयोग क्या कह रहा है? चुनाव आयोग ये कह रहा है कि पोलिंग पार्टी को जानकारी ही नहीं थी कि गाड़ी का मालिक कौन है, ये कह रहा है ना चुनाव आयोग। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि पोलिंग पार्टी की गाड़ी खराब हो जाती है तो एक एसओपी होता है अंजना जी, उस एसओपी के अनुसार नई गाड़ी आती है, पर पूरे असम में एक और कोई गाड़ी नहीं मिली, उसी समय जो 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 कैंडिडेट है उसकी गाड़ी आ जाती है। ये संयोग नहीं है अंजना जी, ये लोकतंत्र के साथ प्रयोग किया जा रहा है, ये ईवीएम को बंधक बनाया जा रहा है, ये ईवीएम निर्भर सरकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है, पर असम की जनता ऐसा होने नहीं देगी। अंजना जी, मेरे साथ ही मुझे सुनेंगे। देखिए, पहले तो अंजना जी, मैं प्रियंका वाड्रा गांधी की तरह मीडिया पे आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आरोप तो इन्होंने मीडिया पे भी लगा दिए हैं कि मीडिया साथ देता है भारतीय जनता पार्टी का। अब ये आप लोग तय कर लीजिए कि आप लोग निष्पक्ष पत्रकार हैं या आप साथ देते हैं पार्टी का। लेकिन मैं आपने एक बात उजागर करी कि ये जो ऑफिसर्स थे, प्लीज चुप कराइए, शांत कराइए, शांत शांत भैया शांत। अपनी बारी में बोला ना, क्या लग रहा है कमजोर बोला कि मेरी बारी में बोल रहा है? सुनिए, आपने अपने बारे में पूरा बोला, उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, एक बार नहीं बोला, एक बार नहीं बोला उन्होंने। गौरव भाटी, चलिए मैं दो अहम बातें करता हूँ। सबसे पहले देखिए हैक क्या हुआ है, कांग्रेस पार्टी का अगर दिमाग है तो वो हैक है। और क्यों है मैं बताऊं, एक बात आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दी और ये चिट्ठी मेरे हाथ में है, जो लेटर है इलेक्शन कमीशन का, कि जो अधिकारी थे जिनको सस्पेंड कर दिया गया है उनको ये जानकारी नहीं थी ये गाड़ी किसकी है। दूसरी बात, ये सारी मशीनें सील थी, इंटैक्ट थी, उसके बाद भी रिपोलिंग हो रही है। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, पश्चिम बंगाल क्यों नहीं गए? नहीं जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि वहां पे इनको डर लगता है जाने का। लेकिन हैंडबुक क्या कहती है, सारे दर्शक जानना चाहेंगे। पांच चीजें बड़ी अहम है। जैसे ही पूरी पोलिंग हो जाएगी ना, वोटिंग मशीन को सील कर दिया जाएगा, पॉइंट नंबर वन। दूसरा, एक क्लोज बटन होता है और जो अधिकारी होता है वहां पोलिंग बूथ पे वो उसको दबाएगा और उसके बाद कोई वोट नहीं पड़ेगा। तीसरी बात, डिस्प्ले पैनल जो है, जो टोटल वोट पड़े हैं उस बूथ पे वो दिखा देगा, इसका मतलब और वोट जुड़ नहीं सकते। चौथी बात, एक रेड लाइन खींचेगा जो रजिस्टर 17A होता है, इसके बाद कोई वोट ऐड नहीं होगा। और पांचवी बात, ये प्रश्न कांग्रेस से है, ये पोलिंग जो एजेंट है उसका उपस्थित होना जरूरी है, वो साथ में जा सकता है ये जो वीवीपैट मशीन है और ईवीएम मशीन के। तो जब ये मशीन ले जाई जा रही थी, कांग्रेस पार्टी का अगर ये कहना है कि गलत हुआ, गड़बड़ी हुई, तो ये 6 बजे बंद हो गई थी वोटिंग जो है, उसके बाद आपका कहां था एजेंट, कम से कम ये तो बता दीजिए। और अंजना जी, ये इसलिए है कि अगर पंजाब में ये जीतेंगे, राजस्थान में ये जीतेंगे तो ईवीएम, वाह वाह क्या ईवीएम है, लेकिन अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो पहले से ठीकरा फोड़ने की तैयारी कर लेते हैं। मत भूलिएगा, संवैधानिक संस्थाओं को ये खत्म करते हैं जब सत्ता में होते हैं और उनकी विश्वसनीयता पे सवाल उठाते हैं जब विपक्ष में होते हैं। और हम भूले नहीं है किस तरह से नवीन चावला, एमएस गिल जब उनका रिटायरमेंट हो गया तो मंत्री बनाया था इसी कांग्रेस ने, ये नहीं बता पाए कानून क्या है। मैंने इनको बताया कि क्या लाइन का जवाब, अब उसके बाद मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप किस बात का? ठीक है गौरव वल्लभ जी, सीधा कनेक्शन कैसे खोजेंगे बीजेपी से? जी अंजना जी,
ईवीएम का अपहरण होता है असम में, ये पूछते बंगाल का जवाब क्यों नहीं देते, सवाल क्यों नहीं पूछते? अरे अपहरण किया आपके कैंडिडेट ने असम में ईवीएम का, तो सवाल असम में ही पूछेंगे ना भाई। अपहरण यहाँ हुआ है आपके कैंडिडेट की गाड़ी में ईवीएम मिली है। फिर मैंने पूछा तय कर दिया में लग्जरी कारी के बूट में ईवीएम कैसे मिली, कोई जवाब नहीं दे रहे। फिर मैंने इनसे तीसरा सवाल पूछा कि जमनुक में आप बिना सिक्योरिटी के ईवीएम को मूवमेंट कैसे हो रहा था, कोई जवाब नहीं दे रहे। विपक्ष है सर, वो गौरव भाटिया जी विपक्ष है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।